तू बाद में बैठ ले इन लोग से। चलो तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, 300 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, क्या कहना चाहेंगे? 300 एपिसोड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड 300 एपिसोड हुए हैं और फिलहाल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नंबर 2 पे हैं हम। यस, अब बस एक ही दुश्मन बचा है, अगले 300 तक वहां भी पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, और जल्दी हमारा एक साल भी पूरा होने वाला है टेलीकास्ट का। 3rd December एंड इट्स अ सरप्राइज। आजकल नॉर्मली शोज जो होते हैं, कई सारे शोज ऐसे आते हैं जो 100 एपिसोड्स में ही उनका दी एंड हो जाता है, लेकिन ये शो दिन ब दिन पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है, टीआरपी बढ़ती जा रही है, और जैसा आप बोल रहे हैं बहुत जल्दी नंबर 1 पर आने की ट्रैक में आप लोग, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है, कुछ और ट्रैक में क्या होने वाला है एग्जैक्टली? नहीं, ट्रैक में अभी बता देंगे, तो आगे के 300 में क्या देखोगे? नहीं, द पॉइंट इज इट्स अ ग्रेट शो, ग्रेट स्टोरी, क्रिएटिव्स ने कोशिश की है और सक्सेसफुल रहे इस शो को थोड़ा सा अलग रखने में बाकी शोज से, इसीलिए ये 100 एपिसोड में बंद नहीं हुआ है। एंड जहाँ तक आगे का सवाल है, आई थिंक अगले और कम से कम 1000 एपिसोड और तो मैं देख रहा हूँ आराम से हमारे। इट्स अ सरप्राइज, मुझे पता नहीं था कि 300 एपिसोड कंप्लीट हो गए, जब आप लोग आए तब पता चला, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि जर्नी इतनी लंबी चल जाएगी। जब शो साइन किया था तब मालूम भी नहीं था कि हम सेकंड नंबर पर होंगे, सो दिस शो हैज बीन अ सरप्राइज। एक्चुअली जब इन्होंने शो साइन किया तब इन्हें ये नहीं मानता कि शो ऑनर कब जाएगा। एग्जैक्टली, और आई गेस सब पहले से शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, 300 एपिसोड पूरे हुए हैं, टॉप 3 चीजें इस शो के बारे में क्या क्या होंगी आपके हिसाब से? टॉप 3 ये है मोहब्बतें, इससे टॉप क्या होगा? हां, आई थिंक एवरी डे इज अ मेमोरेबल डे। जैसे हम लोग शूटिंग करते हैं ऐसा लगता है नहीं शूटिंग कर रहे थे, पिकनिक पे आए हम लोग। एग्जैक्टली, फैमिली की तरह हो गए सब लोग। सो एवरी डे इज अ मेमोरेबल मोमेंट। आप भी तो हमने देखा है फिर ऑस्टिन काफी मस्ती भी होती रहती है प्रोडक्ट बॉयज के साथ, और मेरे लिए मेमोरेबल खाली मेरे संडेज होते हैं। नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो हमारे लिए मेमोरेबल होते हैं, तुम्हारी मेमोरी चली जाती है उसके बाद में। प्रियंका, आप भी यही थी, इनका हम देखते रहते हैं कि सेट पे नो सीन के बाद खूब सारी मस्ती होती है, चाहे स्पॉट बॉय हो या फिर बाकी के लोग। क्या गजनी से यादों की बातें कर रहे हैं? ये करण तुम ही याद कर लो यार कुछ। मैं तो शॉट के बाद इसको सेट पे देखता कहाँ हूँ। सेट पे रहेंगे, शॉट के बाद तो मस्ती करेंगे ना।